Intense flavor. जायकेदार और मजेदार. अस्सलाम वालेकुम. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी. बहुत दिनों से मेरे व्यूवर्स की फरमाइश आ रही थी चिकन बिरयानी बनाने की, तो आज मैं बिरयानी की रेसिपी देने जा रही हूँ. यहाँ पर मैंने 1 किलो देसी चिकन लिया है, इसे अच्छी तरीके से वॉश करके ले लिया है हमने. और मैं देसी चिकन की एक खासियत आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इसका गोश्त. चाहे आप ग्रेवी बनाइए या बिरयानी बनाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है. बॉयलर जो मुर्गी हम लेते हैं वो उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना देसी में होता है, और आजकल तो दाम भी सिमिलर हो गए हैं. तो आप देसी में बनाइए या बॉयलर में बनाइए. हाँ, हमने देसी में बनाया है. तो यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है और 6 से 7 हमने प्याज कट करके ले ली है और 5 हमने टमाटर कट करके ले लिए है. और यहाँ पर दही 250 ग्राम हमने लिया है और 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है और 3 आलू बुखारे हमने भिगा कर ले लिए है, ये ऑप्शनल है. आ जाते हैं हम खड़े मसाले की तरफ. तो यहाँ पर हमने 3 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर हमने ले लिया है. और यहाँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साजीरा हमने लिया है. और यहाँ 2 से 3 तेज पत्ता हमने ले लिया है. और यहाँ पर दालचीनी है और 2 चक्रफूल है खुशबू के लिए. और यहाँ पर हरी इलायची है, 4 से 5 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग और काली मिर्च हमने ले ली है. आइए हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं. 1 किलो हमने बासमती चावल ले लिया है और इसे हमें आधा घंटे के लिए भिगा के रखना होगा. तो हम पहले दूसरा प्रोसेस करते हैं, इसे भिगा लेते हैं. हम पतीली हमने रख ली है और वो गर्म हो चुकी है. अब इसमें हम ऑयल डालेंगे. कम से कम हमको 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालना होगा. तेल हमारा गर्म हो चुका है. अब इसमें हम शाजीरा और जीरा डालेंगे और थोड़ा हम बचा के रखेंगे राइस में डालने के लिए. और यहाँ 2 चक्रफूल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे. और ये तेज पत्ते है, दालचीनी है, थोड़े से खड़े मसाले हम बचा के रख लेंगे ये राइस में डालने के लिए. हम प्याज डाल देंगे. हमारी बिरयानी में प्याज ज्यादा है, इससे अच्छा टेस्ट आता है. हमें इसे अच्छी गुलाबी कलर की करना है प्याज को. प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो गई है. अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे. अच्छे से इसे भूनना है. पांच मिनट हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है चिकन को. अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से पकाएंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. हम उसी प्याली में पानी थोड़ा सा लेके हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे. अब इसे अच्छी तरीके से हम पकाएंगे ताकि हमारी अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए. मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाना होगा. 5 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है इसे. हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं. हम यहाँ पर सूखे मसाले डालेंगे. जो हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे. हल्दी पाउडर, दही ऐड करेंगे. वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे. 1 टीस्पून हमने नमक डाला था, इसमें कम था, हम हाफ टीस्पून और डालेंगे.
नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। यहाँ जो हमने आलू बुखारा लिया था, इसे हमने कट करके ले लिया था, इसे भिगा लिया था पहले ही, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तेज और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, आपको कितना तेज लगता है, ज्यादा लगता है तो आप मिर्ची को बढ़ा दीजिए, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए कितना आप खाते हैं। अच्छे से हम इसे 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। हम इस पर ढक्कन ढक देंगे और इसे 5 मिनट तक हमें पकाना है। हम इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमें चावल बनाना है। चावल हमने बॉईल करने रख दिया है और दूसरी जगह हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। हम यहाँ पर खड़े मसाले, जीरा जो हमने बचा के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 टीस्पून हमने नमक लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें हल्का सा हम डाल देंगे। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, अब हम इसे छान लेंगे छन्नी में। ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। और पहले हमने दूध ले लिया है और इसमें हमने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर मिलाया है और इसमें हम गुलाब जल 2 से 3 बूंद हम गुलाब जल की डालेंगे और इसे अच्छे से मिला के रख देंगे। और यहाँ पर हमें ग्रीन कलर भी लगेगा। अब हम असेंबल करेंगे। चावल की लेयर हम बिछाएंगे, पहले थोड़ा चावल हम नीचे बिछा डालेंगे। अब इसमें हम ग्रेवी बिछाएंगे। अब उसके ऊपर एक लेयर चावल की और डाल देंगे। हमें ये चावल की भाप में ही बिछाना है, भाप निकलने नहीं देना चाहिए, तो इससे हमारी बिरयानी जल्दी रेडी हो जाएगी, इस बात का ख्याल रखिए। अब हम मसाले बिछा लेंगे। फिर ऐसे ही हम सेम मेथड कर लेंगे, लेयर पे लेयर डाल के हम इसे रेडी कर लेंगे। हम इसकी 3 लेयर डालेंगे। लेयर हमारी रेडी हो गई है। अब जो हमने दूध का मिश्रण बनाया था उसे हम बिछा लेंगे। अब इसमें हम ग्रीन कलर थोड़ा डालेंगे। डेकोरेशन आपकी मर्जी है, जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कोथमीर बिछा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा भुस्का हमने रेडीमेड लिया है वो इसमें ऐड करेंगे। और घी हम डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून घी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है आप कितना घी डालते हैं, कितना चाहिए आपको उतना आप डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़े से काजू बिछा देंगे, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे फॉइल से रैप कर देंगे ताकि एयर हमारी बाहर ना जाए, हमें इसे दम मारना है। अभी हम इसका ढक्कन लगा के इसे आधा घंटे के लिए दम मारने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और हम एक तवा रखेंगे, तवे पे ही हम इसे दम मारेंगे, इससे हमारे चावल नीचे नहीं लगेंगे। और इसे 5 मिनट हम तेज आंच पे पका के आंच को धीमा कर देंगे और एक वजन चीज हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हमें आधा घंटे के लिए छोड़ देना है।
तो व्यूअर्स, हमारी चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी हुई है और बहुत ही लज्जतदार बनी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, चावल भी हमारे छोटे छोटे बने हैं और मसाला चिकन भी हमारी गली है। देखिए चिकन भी हमारी गल चुकी है। तो व्यूअर्स, मेरी इस मसालेदार बिरयानी को अगर आपने पसंद किया है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।